गुड आफ्टरनून, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए। और आज हम अपनी तीसरी क्लास यानी जो आपकी पुलिस क्लास है उसको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज़, कल आपकी क्लास नहीं लगी, पिछले दिन तो फेस्टिवल था, तो कल इसलिए नहीं क्योंकि तबीयत नहीं है ठीक मेरी कुछ, तो हो सकता है कि आज की क्लास भी हम जल्दी जल्दी पाइल्ड अप करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर। देखिए, अब जो क्लासेस है, अभी पुलिस की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। मैंने यहाँ पे किसी का स्पाइसी क्वीन जो भी है, मैंने आपका क्वेरी पढ़ ली है कि मैम टॉपिक वाइज करवाइए, तो हम टॉपिक वाइज भी लाएंगे। बट ये है कि अभी नोटिफिकेशन पुलिस की नहीं निकली है, फॉर्म्स नहीं फिल हुए हैं, आई थिंक सो कि फॉर्म्स भी फिल नहीं हो रहे हैं। अभी जो नोटिफिकेशन आई है वो HAS की आई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने 25 जुलाई को जो है अपना कमीशन का पेपर निकाल दिया है। तो इससे पहले पहले हो सकता है कि और भी पेपर्स की जो है फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन निकल चुका है, तो हम उसकी भी तैयारी साथ साथ करवाएंगे। बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मान के चलिए एक हफ्ता, उसके बाद आपको शेड्यूलिंग जो है प्रॉपरली मिल जाएगी। तो अभी जो ये प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, मैं ये पुलिस के लिए नहीं, मैं ये HAS वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बोल रही हूँ, मैं हर उस कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ जिसने कंपटीशन में अपेयर होना है। अभी दो पेपर्स, आपका स्टोर कीपर और आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर, आई थिंक उसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स देखे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर जिन बच्चों ने इस चैनल को देखा है उसमें से कई क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सीरीज, जितने भी हमने प्रैक्टिस सीरीज में किए हैं उनमें कई क्वेश्चंस आपके डेटा ऑपरेटर में भी आए हुए थे और स्टोर कीपर के पेपर में भी आए हुए थे। देखिए मनोज कुमार जी, इस बार ये नोटिफिकेशन है कि पहले रिटर्न होगा देन ग्राउंड क्लियर होगा। इस बार जो आवेदन गया हुआ है जिस पे अभी चर्चा चल रही है कि पहले जो है इस बार ग्राउंड नहीं, पहले रिटर्न होगा फिर उसके बाद ग्राउंड होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो रिटर्न की है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा चौहान ने देखे थे, तो सारे क्वेश्चंस जो हैं डेटा ऑपरेटर और स्टोर कीपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसा, जिन्होंने ये कहा है कि क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने देखा है पेपर, दो दिन मैंने देखे है पेपर्स, तो उसमें से कई क्वेश्चंस आए थे। यस, कंप्यूटर बहुत आसान था, जो JOA में आना चाहिए था वो डेटा एंट्री ऑपरेटर में जितने भी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि जितने हमने कंप्यूटर के सेक्शंस किए थे उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, उसमें वो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। देखिए अजय अभिलाषी जी, पहले ग्राउंड होगा, अभी इस पे चर्चा चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है, या तो पहले ग्राउंड, क्योंकि इस बार जो है क्योंकि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पहले रिटर्न की है। टाइम नहीं दे पाती हूँ HPP की तैयारी के लिए मैम, मैं नेक्स्ट मंथ से तैयारी ढंग से स्टार्ट कर दूँ तो सिलेक्शन के। देखिए ये तो आप पे है, ये मेरे पे नहीं है ना, ये सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन है कि आप कितना उसको क्लियर करोगे। अगर कोई बच्चा 3 महीने 4-4 घंटे क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं, क्वालिटी के बेसिस पे जाए तो वो कुछ भी क्लियर कर सकता है, इस पे नहीं होता। अगर आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपकी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन पे होता है, ठीक है। कंफर्म भूपी चंदेल जी, कंफर्म है मैम पहले ग्राउंड होगा, तो ये आपके लिए है कि पहले ग्राउंड होगा। बट मैंने जो न्यूज़ सुनी थी कि उसमें पहले ये आजकल चल रहा है कि भाई ग्राउंड या रिटर्न, ठीक है। एज लिमिट आई थिंक इट्स 24 या 25 के आसपास है, मुझे इतना नहीं आइडिया, ठीक है। अभी पुलिस भर्ती का भी चल रहा है, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन उठाया है वो यही उठाया है कि पहले रिटर्न, क्योंकि कोविड के चलते पहले अगर रिटर्न हो जाता तो आधा उनकी जो है सिलेक्शंस जो हैं वो सॉर्टेड आउट हो जाएंगी, इसीलिए शायद रिटर्न पे फोकस किया। मैम एनी रिक्वायरमेंट, देखिए एज कितनी होगी, 25 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती एज, ठीक है। अजय अभिलाषा जी, पहले
क्योंकि पहले ग्राउंड होगा ये आपको किसने बताया, क्योंकि अभी मैंने जो पीछे ये कांस्टेबल, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, पर मैंने ये जरूर सुना था कि आपका जो पेपर है उसमें पहले रिटर्न पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये सॉर्टेड आउट एक चल रहा है, हो सकता है पहले ग्राउंड हो सकता है पहले रिटर्न हो, वो डिपेंड करेगा जैसे ही नोटिफिकेशन, जैसे ही पुलिस की नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगी उस पर आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइम ये मत सोचिए कि पहले ग्राउंड या पहले रिटर्न, आपका मेन अगर आपका टारगेट पुलिस का है तो पुलिस का कीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज, ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका सेशन। देखिए मैं कोशिश करूँगी कि सेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ज़्यादा देर जो है मैं इस सेशन को लंबा नहीं खींचने वाली, क्योंकि मेरी कंडीशन इस टाइम ठीक नहीं है, राइट। तो हो सकता है तमन्ना ठाकुर जी, मुझे नहीं पता कि कब तक होगा, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी आपको पेपर पता चल जाएगा। तभी तो अभी हमने सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लासेस कि हमने एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू किया कि आप तैयारी करते रहो। मैंने जो पिछले पेपर्स देखे हैं उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस किया, हिंदी पे फोकस किया, तो और जो जनरल जीके आती है वो बहुत जनरल आती है, बट कैसा पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगी ये कुछ शेड्यूल्स चेंज करेंगे हो सकता, तो हमें अपनी तैयारी प्रॉपरली रखनी चाहिए। ओके रोहित धीमान जी, लेट इट बी, जो होगा अच्छा ही हो, बस इतनी दुआ कीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी, अब हम सेशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर में खड़े नहीं हो पाऊंगी तो हम ये फटाफट सेशन शुरू कर देते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल, एनी बेसन, सुभाष चंद्र बोस, चित्रंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन स्ट्रगल पे ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि हिंदी में भी लेकर आए तो वो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, एनी बेसेंट है, सुभाष चंद्र बोस, चित्रंजन राज या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम पहले नीचे से ऑप्शंस लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, इसका इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, और कहाँ पे है, गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लोह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, या फिर आ सकता है 1931 में इन्होंने जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में पार्टिसिपेट किया था, अगर इनके बारे में कि इनको बारदोली सत्याग्रह से ही सरदार की उपाधि मिली है, और अगर सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। चित्रंजन दास, चित्रंजन दास का निकनेम क्या है, देशबंधु। चित्रंजन दास ने 1921 और 22 के जो आपके सेशंस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक कलकत्ता का था 21 और 22 का सेशन था गया का सेशन, ये दोनों जो हैं चित्रंजन दास जी ने जो है वो किए थे, और इनको देश बंधु भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस या एनी बेसेंट, देखिए ये दोनों तो हैं नहीं, ठीक है, ये दोनों तो हैं नहीं, कैंसल। अब एनी बेसेंट या सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट ने जो है आपकी न्यू इंडिया बुक लिखी थी, होम रूल लीग की जो थी मेन लीड आपकी अडियर से, वो कौन थी, एनी बेसेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट वुमेन, ये कौन थी आपकी, एनी बेसेंट 1917 में, और इंडियन कौन सी थी, सरोजनी नायडू, तो ये नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर भी ये थी, तो ये नहीं है। आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का निकनेम क्या है आपका, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को जो है इन्होंने लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, 1920 से लेकर 1942 तक का पूरा पीरियड लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने कौन से सेशंस अटेंड किए थे, एक किया था हरिपुर और एक किया था त्रिपुरी। 1938 और 39 में इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्ट किया था, 38-39 में हरिपुर एंड त्रिपुरी, और ये HAS में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस, जिनका निकनेम भी पूछा जा सकता है नेताजी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? किसी को ऐसा बोर तो नहीं लग रहा है? पहली चीज ये बताइए। नहीं कर पाओगी मैडम, सिलेबस देखो क्या है पुलिस का, क्या नहीं कर पाओगी बताइए जी। अब ये भी क्वेश्चंस है। बताइए हिमाचली गद्दी बॉय जी, मुझे नहीं पता कि पेपर कब होता है, इसका पेपर कब होगा? रोहित सिंह डोवरियाल, ये आप किसको कह रहे हैं? ये आप किसको कह रहे हैं? ठीक है, महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बलिंग नोट इज रिगार्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ, महात्मा गांधी की टिप्पणी ढहते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के प्रस्तावों के बारे में किस उससे लिखा गया था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या वेविल प्लान? बताइए। महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट प्लान, आपका क्या बोलते हैं साइमन कमीशन, या फिर आपका वेविल्स प्लान? बताइए, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। बताइए, बताइए साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट या वेविल प्लान? आपको पता है वेविल प्लान 1945 में कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था, ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? वाइस रीगल लॉज, VRL, वाइस रीगल लॉज में हुआ था 1945 में, तो ये याद नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पैट्रिक लॉरेंस द्वारा किया गया था, तो ये नहीं है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में चला था और 28 में यहाँ आया था, और इसमें साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट किया गया था क्योंकि इसमें सारे जितने भी लीडर्स थे वो वाइट थे, कोई भी इंडियन नहीं था, तो जिस पे लाठी चार्ज हुआ था और इसमें लाला लाजपत राय पे जो है लाठी चार्ज हुआ था, जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो आंसर इज क्रिप्स मिशन, जो कब आया था? 1942 में आया था, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे। तो इसमें क्या था कि ये सिर्फ एग्जेक्टिव्स और वाइस राय को छोड़ के जितने भी थे वो सारे इंडियंस होंगे। बाद में कैबिनेट मिशन प्लान बना जिसमें सारी प्रायोरिटीज किसको दी गई थी? इंडियंस को दी गई थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान कहाँ पे बना था आपका? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो आंसर इज क्रिप्स मिशन। आई होप कि आपको यहाँ तक ठीक लग रहा हो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो पहले ही मैं अपोलोजाइज इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है कि मैं आज आपको सेटिस्फाई ना कर पाऊँ क्योंकि कंडीशन बोल भी नहीं पा रहे हैं, या मतलब हो सकता है हालात नहीं है इस टाइम मेरे। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, कुछ भी गलती हो सकती है। तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 या 7? कोशिश पूरी करूंगी, फिर भी बोल सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। सेटिस्फाई करने की कोशिश पूरी की है, बट कहते हैं ना नोबडी इज सेटिस्फाइड। बताइए मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं जो हैं आपको पता है, जो भी मात्राएं लगती हैं आ आई ये कितनी है? तो इसका जो है आपका मात्राएं 3 तरह की होती हैं। आपने स्वर पढ़े होंगे, एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? देखिए अगर हम स्वर पढ़ें, देखिए मैं हिंदी में इतना नहीं, अगर हम स्वर पढ़ते हैं तो एक होते हैं ह्रस्व और एक होते हैं दीर्घ, ठीक है, दीर्घ स्वर, ठीक है, देखने में देख लीजिए। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जो छोटे होते हैं, यानी आपके जिनमें आप कह सकते हो अ, जिसमें छोटी लंबी आवाज़ नहीं होती अ उ इस तरह से, और दीर्घ में जहाँ पे हम
लंबी सांस लेकर बोल सकते हैं, जिसमें टाइम लगता है, मेरे अकॉर्डिंग जिसमें टाइम लगता है, आ ई इस टाइप से दीर्घ स्वर। तो अगर मात्राओं के हिसाब से देखा जाए तो एक हस्वर होते हैं जिसमें सिर्फ एक मात्रा काम करती है, और दीर्घ स्वर में दो मात्राएं काम करती हैं, और एक और होते हैं प्रलुप्त, प्रलुप्त, ठीक है, प्रलुप्त स्वर, हिंदी देख लेना, प्रलुप्त स्वर होते हैं। तो इसका मतलब जो मात्राएं हैं वो तीन होती हैं, एक हस्व जिसमें एक मात्रा लगती है, दीर्घ जिसमें दो मात्राएं लगती हैं, और एक संयुग जिसमें कंबाइन मात्राएं लगती हैं। तो टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, तीन। कितनी होती हैं आपकी, तीन, ठीक है, आंसर इज तीन। यस, संयुक्त जिसको आप बोलते हो उसको बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, जैसे स्वर, यहाँ पे अगर व्यंजन नहीं पूछा है, स्वर, तो स्वर अ से लेकर अंक तक जितने भी हैं आपके स्वर होते हैं, तो स्वर होते हैं 11, और व्यंजन कितने होते हैं, अगर देखा जाए नॉर्मल व्यंजन तो वो होते हैं 33, ठीक है। अगर हम, मैंने उस दिन भी बताया था 33, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें तो उसमें हमारे 41 बनते हैं, तो टोटल 52 स्वर और व्यंजन को बनाकर। पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदी के व्यंजन वर्णों को बात करें तो 33 होते हैं। व्यंजन और स्वर जो है वो क्या बनाते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला। और हिंदी की लिपि कौन सी होती है ये भी याद रखना, देवनागरी, देवनागरी। प्लीज़ हिंदी की राइटिंग अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकती। वर्णमाला कोशिश फिर करूँगी कि आपको दिख जाए। तो हिंदी व्यंजनों में कितनी संख्या होती है, 33, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। ये स्वर कितने होते हैं आपके, 11, और व्यंजन क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो मूर्धा क्या होता है, मूर्धा मीन्स मुंह से बोलना, तो मूर्धा में आते हैं ट्वर्ग, अगर याद रखने हो, ट ठ ड ढ न जो आता है वो आता है मूर्धा, मुंह से बोलना। दंत, दंत में कौन से आते हैं आपके, दंत में आते हैं त्वर्ग, अगर आप याद करना चाहें, त थ द ध जो आते हैं ये दंत, मतलब त थ द, ये जो हम दांत की आवाज से निकालते हैं उनको बोलते हैं त्वर। ओष्ठ, ओष्ठ जो होते हैं ये आते हैं आपके पवर्ग, पवर्ग, प फ भ भ, जिसमें लिप्स की मूवमेंट हो दैट इज पवर्ग, जिसमें दांतों की मूवमेंट, दांतों से जो वर्ड निकले, स्वर निकले या व्यंजन निकले, तो वो क्या है आपके त्वर्ग, और दांतों से, और जो मूर्धा मुंह से बोले जाते हैं वो त्वर्ग। अब कंठ से क्या, क से क ख ग घ न मीन्स कंठ, गला, तो ये क्या आएंगे आपके क्वर्ग, ये क्या आते हैं आपके क्वर्ग, तो आंसर इज कंठ, आंसर क्या आएगा आपका, कंठ। और अगर हम देखें तालु से कौन से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं च्वर्ग, च छ ज झ न इज कॉल्ड फ्रॉम तालु। और अगर आप एक और होते हैं उषम, उषम जो होते हैं जिसमें एनर्जी चाहिए, तो श स, ये जो हैं आपके कौन से हैं, उषम वाले, श स ह, ठीक है। और एक होते हैं अंतस्थ, ये जो होते हैं आपके अंतस्थ किसको बोलते हैं, जो अंदर से आते हैं, तो अंतस्थ में जो होते हैं य र ल व श, य र ल व जो है ये अंदर से बोले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अंतस्थ। तो आपको ये याद रखना है कि मूर्धा से त्वर्ग, दंत से त्वर्ग, त थ द या याद कर लीजिए, ओष्ठ से पवर्ग, क से कंठ और क से क्वर्ग, तालु च्वर्ग से बोला जाता, तालु क्या होता है ऊपर वाला सरफेस, उषम जिसमें एनर्जी लगती है, और अंतस्थ कौन से होते हैं, यर ल व श। जी इस तरह से ही आता है आपका क्वेश्चन, जो मैंने भी देखा है आपका
पुलिस का कोर्स, पुलिस के क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आते, मुझे तो नहीं लगा इतना हाई फाई, पर बोलते हैं ना एग्ज़ाम का क्या पता कौन सा कैसे डाले, तो हम पूरी तरह से तैयार रखेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर हाउसेज विद, जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घरों का निर्माण कैसे करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुई, 2500 से लेकर 1720 तक मान लीजिए या 50 तक। फिर उसके बाद कौन सी संस्कृति, दो मेजर टाउन्स थे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा आया 1921 और मोहनजोदड़ो आया 1922 में। तो उसके बाद जो हड़प्पा, जितने भी इंडियन सिविलाइजेशन के जो घर थे, कहा जाता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के जितने भी घर थे वो बहुत पक्के और अच्छे बने हुए थे। तो ये किसके बने हुए थे, पक्के ब्रिक्स के, किसके बने हुए थे, पक्के ब्रिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर बिल्ट द एलोरा टेम्पल्स, एलोरा टेम्पल्स जो हैं वो किसने बनाए हैं। एलोरा टेम्पल्स किसने बनाए हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट, एलोरा टेम्पल्स किसने बनाए हैं, चालुक्य, शुंगा, राष्ट्रकूट या पल्लव। तो चालुक्य ऑफ बदामी, शुंगा डायनेस्टी पुष्यभूति शुंगा जो कि 185 में आई थी बृहद्रथ को हराकर, और राष्ट्रकूट जिसका फाउंडर कौन था, दंतीदुर, या पल्लव, पल्लव की कैपिटल क्या थी आपकी, कांचीपुरम, बताइए। तो राष्ट्रकूट, तो आंसर इज राष्ट्रकूट। किसने बनाए थे, कृष्णा वन किसने बनाए थे आपके, कृष्णावान। और अगर शुंगा डायनेस्टी की बात करें तो आपको पता है सांची स्तूप जो सबसे बड़ा स्तूप है, ओल्डेस्ट स्तूप, ये बनाया था अशोका ने। उसके बाद इसको शुंग ने भी जो है रिकार्बोनेट किया। चालुक्य के जो टेंपल्स थे उसमें मैं आपको बता दूं, चालुक्य टेम्पल्स जो थे विरूपक्षता टेम्पल, जो किस पे डिपेंड करते हैं, इनका जो आर्किटेक्चर है दैट इज कन्नड़ द्रविड़ आर्किटेक्चर, क्योंकि साउथ के थे तो कन्नड़ द्रविड़ आर्किटेक्ट पे ये डिपेंड करते हैं। तुंगा नहीं है, पल्लव के जो थे ये कांची में थे, कांचीपुरम में बना है। ठीक है, इसको मामलापुरम भी कहते हैं, ठीक है, इसको मामलापुरम भी कहते हैं। तो कांचीवरम के अगर टेम्पल का याद करना है तो कैलाशनाथ टेम्पल जो था वो किसने बनाया था, राज सिंह ने। कैलाश टेम्पल जो था वो राज सिंह वर्मन ने बनाया है, राज सिंह ने। ठीक है, तो यहां तक आपका आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट, विच वन इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे पुरानी डायनेस्टी या राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्ता, कुषाण या कनव। तो कुषाण कैडफिल्स, ठीक है, इसको ये ऐसे याद रख लीजिए, कैडफिल्स था, कनव वासुदेव, गुप्ता चंद्रगुप्त वन भी आया, लेकिन अगर देखा जाए श्रीगुप्त वॉज द मेन फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इसको क्लासिकल ईरा भी कहते हैं, गोल्डन ईरा भी कहते हैं, मौर्यन डायनेस्टी। तो सबसे पुरानी कौन सी थी, मौर्यन डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने किसको हराया था, दनानंद को हराया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका कहा जाता है द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। इसके मेन लीडर्स देखिए, इनके सपोर्टर कौन थे, विष्णुगुप्त, अगर मेघानिथीस जिसने इंडिका लिखी, अर्थशास्त्र लिखी विष्णुगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेथ थी वो श्रवण बगोला में हुई। अगर देखा जाए मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन आया, इसके बाद बिंदुसारा, फिर अशोका और फिर बृहद्रथ। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी में पहले श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त वन, देन उसके बाद विष्णुगुप्त, आपके जो उसके बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू, देन स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के टाइम पे हूणास ने जो है अटैक कर दिया था, कुशांस कैडफिलिस आए थे, और आपके कनव कौन थे, शुंगा डायनेस्टी को हराने बाद, शुंगा डायनेस्टी को किसने हराया था, वासुदेव ने। तो 28th सेंचुरी में कनव डायनेस्टी भी खत्म हो गई थी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किस किस का क्लियर है भाई।
यहां तक किस किस का क्लियर है? ठीक है, यहां तक किस किस का क्लियर है जल्दी बताइए। और जिनको जितने कैंडिडेट्स हैं अगर उनको मजा आ रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिए। जितने कैंडिडेट्स हैं आई होप कि वो तो वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ आता? यस, मुदर गुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जल्दी बताइए, अगर जितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे मेरी उनसे ए है राइट, तो ओल्ड डायनेस्टी चंद मौर्यन डायनेस्टी है, सबसे पुराना राजवंश जो था वो मौर्य है, उसके बाद आपका जो चंद्रगुप्त, ये गुप्ता डायनेस्टी है, ये तो क्लासिकल और गोल्डन ईरा बोलते हैं इसको। बताइए, देखते हैं कितनी जल्दी आप वीडियो को लाइक करते हैं। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक मतलब जो गुणों को बताते हैं, विशेषण क्या होते हैं? जो नाउन, और अगर इंग्लिश में बोलूं तो इट्स कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स, और अगर विशेषण की हिंदी में बात करें तो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसको बोलते हैं विशेषण, और अगर नाउन और प्रोनाउन की जो इंपॉर्टेंस को बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। तो जो गुण है दैट इज क्वालिटी एडजेक्टिव्स, तो क्वालिटी का मतलब है गुण बताना, तो अगर गुण होंगे तभी उसकी क्वालिटी पता चलेगी। पांच लड़के 10 हाथी इनमें से कोई नहीं या लाल फूल, फूल की क्वालिटी क्या है, फूल किस तरह का है, तो दैट इज 10 हाथी या पांच, ये परिमाण बताते हैं, इट्स अ क्वांटिटी। अगर देखा जाए ये क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी है, तो इसका मतलब ये तो गुण नहीं बताते आपका, ठीक है, ये गुण नहीं बताते, ये भी नहीं बताते। तो कौन सा शब्द जो गुण बताता है, दैट इज फूल। फूल का गुण क्या है, या तो वो लाल है या सफेद है, तो आंसर इज लाल फूल। नेक्स्ट, महेंद्र की संधि विच्छेद क्या है? मोह प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्र में क्या होता है, आ प्लस ई, तो ये क्या बनाता है आपका, ए। ठीक है, तो इसका मतलब महा प्लस ई इज कॉल्ड महेंद्र, तो बी जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। अब इस पे आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्या होता है, पहली चीज क्रिया क्या होती है, वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, पहले होती है वर्ब या हिंदी में लिखो क्रिया, दो वर्ड्स है, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। करने की शक्ति, डूइंग एक्शन इज कॉल्ड एज वर्ब, जो चाहे वो संज्ञा हो सर्वनाम, जो काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्रिया, काम करना इज कॉल्ड वर्ब, जो काम कर रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में देखा जाए इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसमें जो जो काम कर रहा है वो सारा काम करता, कर्म कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा, कारक कर रहा है, मतलब जिस पे ऑब्जेक्ट, सारा एक्शन ऑब्जेक्ट पे होगा देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, जिसमें कोई एक्शन ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा देन इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक मतलब सारा काम कारक कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, जिस पे ऑब्जेक्ट का लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड अकर्मक। तो क्रिया भी दो तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिस पे जो काम कर रहा है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पे काम नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट पे काम, मतलब सारा स्ट्रेस ऑब्जेक्ट पे है, मतलब पूरा एक्शन जो काम कर रहा है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड सकर्मक। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर, मतलब जिस पे ऑब्जेक्ट पे भार नहीं पड़ेगा दैट इज कॉल्ड अकर्मक, यानी इनट्रांजिटिव। अब इसमें हमने बताना है सकर्मक क्रिया कौन सी है, छूटना, लेटना, तड़पना या पिघलना, बताइए बताइए इसका आंसर क्या है। तो अगर देखा जाए सकर्मक क्रिया लेटना नहीं है, लेटना क्यों लेट रहे हो भाई, एक्शन क्या है, तड़पना तड़पाना नहीं है, पिघलना भी नहीं है, इसमें सकर्मक क्रिया को चयन करना है तो आंसर इज छूटना, क्योंकि यहाँ पे सीधा छूटना है, कहाँ से छूट रहे हो, कहीं से भी छूट रहे हो, तो एक्शन किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा छूटना। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी हेल्पफुल है, ये मत सोचिए कि ये पुलिस के लिए है, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यालंग सैंगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज,
जो भारत में यारलंग जांगपो नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या महानदी? महानदी जो है सेहवा से निकलती है, ठीक है, और इस पे जो है हीराकुड डैम बना है। ब्रह्मपुत्र, इंडस, इंडस को हम सेंगे जांगपो कहते हैं, गार भी कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है? ये बुखारचू से निकलती है और फिर जो है ये इंडिया में एंटर करती है एंड ये अरेबियन सी तक जाती है, मतलब ये पाकिस्तान तक बहती है। तो ये नहीं है गंगा, पहली चीज। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गंगा का पहले नाम क्या है? भागीरथी। इसको पहले हम क्या बोलते हैं? भागीरथी। ये अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वहां से देवप्रयाग से इसका नाम जो है क्या हो जाता है? गंगा। प्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। पहले नाम इसका गंगा नहीं है, पहले नाम इसका गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी का जहां मिलन होता है वो कौन सी जगह है? प्रयाग। प्रयाग से आगे इसको हम बोलते हैं गंगा। ठीक है, तो गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, और अगर देखा जाए तो गंगा नहीं है, बची कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को यारलंग सैम्पो बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं तिब्बत में। ये कहाँ से निकलता है? चैम यांग ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद मरियामला एक जगह है, वहां से ये नदी सेपरेट होगी, इंडिया में एंटर करती है असम, और सिहांग जगह है वहां पे एंटर करती है, दिबांग इसको बोलते हैं, लोहित इसको बोलते हैं, ब्रह्म बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, जहां पे जमुना और पद्मा मिलती है उसको मेघना बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वॉज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे हिमाचल की वॉल्यूम वाइज जो है चिनाब है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वैसे वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और वैसे कौन सी बड़ी है? गंगा। जैसे हिमाचल में सतलुज बड़ी है लेकिन वॉल्यूम वाइज चिनाब है, वैसे ब्रह्मपुत्र। और अगर देखा जाए एक डेल्टा बना, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र पे एक डेल्टा बनता है जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। और अगर एक और चीज याद कर लीजिए तो इस पे ब्रह्मपुत्र पे एक रिवर आइलैंड है जिसको बोलते हैं मजूली। क्या बोलते हैं? मजूली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। सतलुज पे नहीं है। नाथपा झाखड़ी मान लीजिए, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट ये सारी है। रावी पे एनएचपीसी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जैसे चमेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। झेलम, झेलम जो है ये वेरीनाग से निकलती है, जम्मू में बहती है, तो ये नहीं है। आंसर इज चिनाब। आंसर क्या है? चिनाब, जो चंद्र और भागा बनाकर बनती है, बारालाचा से निकलती है और चंद्र भागा बनाती है और फिर इसका नाम चिनाब बनता है। आंसर इज चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एट द हाइट ऑफ स्टेट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 6 किलोमीटर, 1000, 3600 या 36000 किलोमीटर। तो जियोस्टेशनरी जो अपने ऑर्बिट्स पे ही घूमता है तो उसकी हाइट जो होती है दैट इज 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। एचपी की सबसे गहरी नदी, अगर डीपेस्ट नदी भी बोलें तो वो चिनाब है, डीपेस्ट, और वॉल्यूम वाइज जो है ये सबसे बड़ी है। अगर सतलुज भी बोलते हैं पर सतलुज सबसे बड़ी नदी है, चिनाब जो है उसको सबसे खतरनाक नदी इसी को बोला जाता है। ठीक है, पब नॉलेज है, आप अच्छा पढ़ाते हो लेकिन अपना तरीका बदलो प्लीज। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है आफ्टर द सेशन। ठीक है, मैं आपके सुझाव की जरूर वेट करूंगी, बट हम आफ्टर द सेशन इस बारे में बात करेंगे। अभी प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। द अर्थ इज़ एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन और अर्थ का डिस्टेंस जिसको बोलते हैं सबसे कम कब होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं पेरिहेलन कब होता है? जब सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है तो उस टाइम के डेट को क्या बोलते हैं? सबसे शॉर्टेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है 22, और साउदर्न में सबसे लंबा दिन है ये आपका जून 21 जो है, दैट इज द लॉन्गेस्ट डे।
तो जनवरी 3rd और जनवरी जुलाई 4th, जुलाई 4th को लगता है एपिहिलन, एपिहिलियन, जिसमें आपका 152.7 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कब होता है, 4 जुलाई को 152, और सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम कब होता है, 3 जनवरी को 147.2 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये होता है 3rd जनवरी को। तो ये याद रखना कि एपिहिलियन कब बोलते हैं, जब डिस्टेंस दूर का हो, एपी मीन अवे, ए से अवे, ए से एपिहिलियन, पी से पास यानी पी से पेरिहिलियन, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड एज, जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, मतलब भूकंप को परिणाम किससे किया जाता है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, केल्विन मीटर या रिक्टर स्केल, बैरोमीटर से एयर प्रेशर, एनीमोमीटर से आपका विंड, और केल्विन से हम टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर केल्विन का क्या होता है 273, और सेल्सियस में होता है 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से, आंसर इज रिक्टर स्केल, आंसर क्या है आपका रिक्टर स्केल, ठीक है। और इसकी वेव्स को क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, सिस्मोग्राफी, और उसके बाद जो है आपका ये याद रखना कि रिक्टर स्केल फोकस भी आता है, एपिसेंटर भी आता है, टेक्टोनिक प्लेट से भी होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस अर्थक्वेक से बनते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, मतलब राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड कौन सा होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आपका कैबिनेट सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन है, 36,000 है, बताइए। अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए इट्स द हेड ऑफ द स्टेट, क्वेश्चन देखिए, वैसे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, लेकिन अगर भारत में राज्य का पूछा जाए तो क्या आएगा, तो अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मतलब आपका मेन हेड कौन सा है, वो आता है प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5th में आता है, पार्ट 5th में आता है, आर्टिकल 52 से चलता है, प्रेसिडेंट जिसको कितनी बार भी चुन लो, नो लिमिट्स, ठीक है, इनको हटाया इम्पीचमेंट के बेसिस पे जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट जो है इसकी जो आपका बोल सकते हो कि फर्स्ट, अगर हम स्टेट की, अगर हम बोलें कि स्टेट का हेड कौन होता है, तो वो होता है गवर्नर, स्टेट का हेड कौन होता है आपका गवर्नर। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गया है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कर लीजिए, अगर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, तब आएगा गवर्नर। एग्जीक्यूटिव हेड अगर स्टेट का, भारत का नहीं, भारत का तो प्रेसिडेंट है, राज्य का हेड कौन सा होता है एग्जीक्यूटिव हेड, देन इट इज गवर्नर। दोनों क्वेश्चंस की थोड़ी फॉर्मेशन गलत है, पर आंसर आएगा गवर्नर। राज्य का हेड यानी आपके पूरे इंडिया का हेड कौन है, आपका प्रेसिडेंट, जो कि एक नॉमिनल हेड है, रियल हेड जो काम करता है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट, जो कि एक सुप्रीम कमांडर किसका है, आर्म्ड फोर्सेस का। विच इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्या है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चंस को, राज्य का हेड जो है, राज्य का एग्जीक्यूशन कौन करता है राज्य की, वो करता है गवर्नर, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। और अगर इंडिया की एग्जीक्यूशन कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट, बताइए। नेक्स्ट आता है, मतलब एक सोर्स ऑफ पॉलिटिकल, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, पॉलिटिकल पावर का स्रोत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या आपका पीपल। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 आता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रिटन है, ठीक है, पार्लियामेंट
आपका जो हाउसेस से बना है और हमारे सिटीजन मतलब फर्स्ट इंडियन सिटीजन से बना है, तो पीपल, तो अगर पॉलिटिकल पावर का सबसे बड़ा सोर्स जनता है, अगर जनता वोट नहीं देगी तो पॉलिटिकल पावर कहाँ से बनेगी? तो आंसर इज आपका पीपल, प्रजा। एक सोर्स पॉलिटिकल पावर तभी आएगी जब आप वोट दोगे। अगर आपने मान लीजिए पूरी जनता ने नोटा वोट दे दिया, तो कौन सी पॉलिटिक्स खड़ी होगी? ना बीजेपी, ना आपकी कांग्रेस, ना कोई और पार्टी, ठीक है? तो आंसर इज पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में निहित किया गया है? पार्ट फी फिफ्थ, भाग पांच, भाग चार, भाग चार ए या भाग तीन? तो अगर फंडामेंटल देखिए, पार्ट फिफ्थ में मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट, भाग फोर्थ में मैंने आपको बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, भाग थर्ड में मैंने आपको बताया एफ आर फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, 35 36 से 51 और ये आता है आपका 51 ए, यानी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये किस पे आएगी? 51 ए, यानी पार्ट फोर्थ ए में। 55th कौन सा आता है? प्रेसिडेंट, जो आपका एग्जीक्यूटिव हेड है वो कहाँ पे चलता है? फिफ्थ पे चलता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ जनरल पॉलिसी इज, संसद में सामान्य नीति के मामलों पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं? स्पीकर, प्रधानमंत्री, सांसदीय मामलों के मंत्री या होम मिनिस्टर? बताइए। स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या संसदीय मामलों के मंत्री? तो अगर संसद में जो कोई भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनका मेन स्पोक पर्सन क्या होता है, बताइए? स्पीकर, पार्लियामेंट की बात करें, हाउसेस की बात नहीं कर रहे, अपर हाउस लोअर हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी संसद की बात हो रही है। तो संसद का मेन स्पोक पर्सन क्या होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर। संसद में अगर यहाँ पे सदन की बात होती कि संसद में लोकसभा का सदन है या लोकसभा है, लोकसभा का मेन स्पोक पर्सन कौन सा होता है, तब आता आपका स्पीकर। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सारे गवर्नमेंट के जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो कैबिनेट बनाना है, कुछ भी करना है, किसी भी चीज को एक्टिवेट करना है, तो आपका आएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? नेक्स्ट, अब आते हैं साइंस के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल्स? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाती है? टिन, पारा, सीसा या जिंक? टिन, मर्करी, लेड या जिंक? जिंक हम गैल्वेनाइजेशन, जैसे आपकी जंग वगैरह लगती है तो जो पेंटिंग होती है उसमें हम गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। टिन, लेड या मर्करी? एग्जाम डीप भी आ सकता है, एग्जाम लाइट भी आ सकता है। आप अपने आप को तैयार रखो ना, ताकि कल को ये पछतावा ना हो कि हम कुछ नहीं कर पाए। उस चीज रोने से अच्छा है कि हम सीख रहे हैं, तो सीख लेना चाहिए। आंसर इज मर्करी। आंसर क्या है? मर्करी। और ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, और थर्मामीटर्स में कहाँ पे यूज होता है? थर्मामीटर्स में। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, सबसे कहते हैं ना कठोर पदार्थ पृथ्वी में कौन सा है? सोना, आयरन, हीरा या प्लेटिनम? तो आंसर इज डायमंड, जो किसका फॉर्म है? कार्बन का। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव कोटिंग ऑफ, जब हम पेंट करते हैं तो पेंट से आपका करोजन हट जाता है, लेकिन जितनी भी आयरन शीट्स हैं, जो चमकदार शीट्स होती हैं, उसमें हम जस्ते लोहे की चादरों में कोटिंग की जाती है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? तो ये है आपका जिंक। आंसर इज जिंक। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें आम तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या ऑक्सीजन? तो जितने भी एसिड्स हैं HCl, H2SO4, उनमें सब में एसिड्स में क्या, एसिड्स का मतलब है H पॉजिटिव आइंस,
एसिड्स का मतलब होता है जिनमें एच आइंस होते हैं, तो हाइड्रोजन सब में कॉमन होता है, और बेस क्या होता है जिसमें ओ एच नेगेटिव आइंस होते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, जितने भी नॉन स्टिक पैन्स हैं उनको, मतलब जो हम बर्तन जिनमें खाना बनाते हैं उनमें एक कोटिंग होती है नॉन स्टिक, टेफलॉन, पीवीसी, ब्लैक पेंट या पॉलीस्टीरीन। तो आंसर इज टेफलॉन, आंसर क्या आएगा आपका, टेफलॉन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस। डैश इज द एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का ऑपोजिट क्या होता है, सिंपैथेटिक का ऑपोजिट क्या होता है बताइए। सिंपैथेटिक का मतलब होता है इनसेंसिटिव, थॉटफुल, केयरिंग या कंपैशनेट। तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति करना, जिनमें सहानुभूति नहीं होती, जिनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनसेंसिटिव। आंसर इज इनसेंसिटिव, थॉटफुल सोचने वाले नहीं होते। सिंपैथेटिक में केयरिंग भी आता है, कंपैशनेट भी होते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक का ऑपोजिट क्या होगा, एक सहानुभूति है तो एक में सहानुभूति नहीं है, दैट इज इनसेंसिटिव। डैश इज द एंटोनिम ऑफ नॉनसेंस, नॉनसेंस का ऑपोजिट क्या है, सिलीनेस, फुलिशनेस, स्टुपिडिटी या सीरियसनेस। नॉनसेंस होती है मूर्खता, तो सिलीनेस भी मूर्खता है, फुलिशनेस भी मूर्खता है और स्टुपिडिटी भी मूर्खता है। तो नॉनसेंस का मतलब क्या है, एक होता है फालतू, नॉनसेंस मीन्स फालतू बोलना, और एक होता है सीरियसली बोलना, तो आंसर इज सीरियसनेस। ठीक है, डैश इज द एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस होता है उदारता, चैरिटेबल, हेल्पफुल, बेनेवोलेंट या मिजरली। ऑपोजिट पूछ रहे हैं तो जेनरस उदारता भी होती है, चैरिटी भी कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो, बेनेवोलेंस भी कर सकते हो, मतलब किसी की भी हेल्प कर सकते हो, लेकिन जेनरस होता है उदारता, उदारता का ऑपोजिट होता है कंजूसी, तो आंसर इज मिजरली, आंसर क्या आएगा, मिजरली। ठीक है, आई होप कि किसी को अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। जहाँ तक चला चला, उसके बाद हो सकता है मैं बीच में स्टॉप कर दूँ अगर मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ तो। जल्द से जल्द हम सेशन, कोशिश मैं पूरी करूँगी कि सेशन को कंप्लीट करें, तो हम जल्द से जल्द करते हैं। आज के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगूंगी, बट हम फटाफट सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। द एंटोनिम ऑफ वर्ड डेलिकेट, डेलिकेट क्या होता है, नाजुक, तो नाजुक, रिफाइंड, एक्विजिट, एलिगेंट या कोर्स। तो डेलिकेट का जो होता है वो क्या है आपका, कोर्स, या तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट का हार्ड, तो वैसे ही डेलिकेट का कोर्स मतलब रुद्र होना या रूड होना। डैश इज द एंटोनिम ऑफ कंसील, कंसील का क्या होगा, हाइड, कवर, रिवील या रैप। तो आंसर इज रिवील, आंसर क्या आएगा आपका, रिवील। कंसील का ऑपोजिट क्या होता है, रिवील। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिवाइन, डिवाइन क्या होता है, डिवाइन होता है स्पिरिट, स्पिरिचुअल, भगवान को मानना, हेवनली, स्पिरिचुअल या डिलाइटफुल, ये तो सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो डिवाइन का मतलब अगर स्वर्ग है तो दूसरा क्या होगा, हेलिश यानी नर्क। ठीक है, द एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रे, प्रे होता है शिकार, और शिकार का ऑपोजिट क्या होगा, शिकारी यानी प्रीडेटर। ठीक है, शी वेंट टू द फ्रंट ऑफ द स्टोर टू फाइंड अ कार्ट, आपने इसमें कार्ट का एनालॉग बताना है, मतलब ऑड वन आउट या एनालॉग ही बतानी है कि वो स्टोर में गई और कार्ट ढूंढा है। कार्ट का आपका, कार्ट से मिलता जुलता वर्ड बैग, कैरिएज, कैशियर या सेल्स रिसिप्ट। तो देखिए कार्ट होता है ट्रॉली, तो वैसे ही ऐसी चीज जिसमें टायर लगे हों, तो ये क्या आएगा आपका, कैरिएज। आंसर इज कैरिएज, आंसर क्या आएगा इसका, कैरिएज। जियार्ड वीकली कोर इज टू टेक आउट द ट्रैश, जियार्ड का हर हफ्ते काम होता था कि वो ट्रैश को लेकर आए। ठीक है, तो ट्रैश को लेने का मतलब क्या है, रिसाइकलिंग करना, डॉग, गार्बेज या मल्च, इसका सेम मतलब बताना है आपने, इसका सेम वर्ड।
रिसाइकल करना डॉग गार्बेज या मल्च, तो ट्रैश क्या होता है? कचरा। कचरे का हम क्या बोलेंगे? गार्बेज। आंसर इज गार्बेज। शी डिड नॉट नो, शी डिडंट नो व्हाट चॉइस शी हैड टू मेक द राइट डिसीजन। इसमें इसका सिनोनिम ढूंढना है, चॉइस का मेन वर्ड, कि चॉइस से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, कि इसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो डिसीजन बनाए। आंसर ऑप्शन, प्रॉब्लम या क्वेश्चन, तो आंसर इज ऑप्शन। आंसर क्या है? ऑप्शन। ही वॉज टोल्ड टू टेक हिज शूज ऑफ टू द काउच। काउच का सेम वर्ड, चेयर, सीट, स्टूल या सोफा। तो काउच का मतलब क्या होता है? चेयर तो नहीं, काउच मतलब जहाँ पे हम सॉफ्टली बैठ सकें, रिलैक्स कर सकें। तो चेयर, सीट, स्टूल या सोफा, तो आंसर इज सोफा। मिलते जुलते वर्ड्स हैं, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स। नेक्स्ट, टॉमी जेंटली पिक्ड अप द सीशेल्स एंड प्लेस देम इन द पेल। मतलब टॉमी ने सीशेल्स को उठाया और उसको पेल में डाल दिया। पेल होता है एक ऐसी चीज जिसका हैंडल होता है, तो पॉकेट, शू, शावल या बकेट। तो पेल का मतलब ऐसा कैरेज जिसका हैंडल है, तो पॉकेट में हैंडल नहीं होता, शू में हैंडल नहीं है, शावल में हैंडल नहीं है, तो उसका सेम वर्ड क्या आएगा? बकेट। सेम वर्ड क्या आएगा आपका? बकेट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है पीपल और द एनिमल्स ऑफ द सेम प्लेस हैव बीन अर्लियर दे आर फ्रॉम नॉन टाइम्स। मतलब जो कोई भी एनिमल या कोई भी लोग, मतलब जिनको पुराने टाइम से जानते थे, वो क्या हैं? एंसेस्टर्स, इमिग्रेंट्स, एबो ओरिजिनल या नेटिव्स। तो जो किसी भी जगह से जाने जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंसेस्टर्स। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो एनिमल्स लैंड और वाटर में रहते हैं, एम्बिग्वस होता है, अस्पष्ट, तो इसको हम बोलेंगे एम्फीबियंस। आंसर इज एम्फीबियंस। वन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो स्टडी करता है बर्ड्स की, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, जूलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो जो बायोलॉजिस्ट मीन्स लाइफ साइंसेस, नेचुरलिस्ट मतलब नेचर को पढ़ने वाला, जूलॉजी जो आपका एनिमल्स पढ़ते हैं, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट। आंसर इज बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है आपका, तो ईडियम क्या है? वाइट लाई। वाइट लाई का मतलब क्या होता है? सफेद झूठ। व्हाइट कलर लाए, हार्मफुल लाए, हार्मलेस लाए या विशियस लाए। सफेद झूठ का मतलब क्या होता है? हार्मलेस लाए। टू एंड इन स्मोक, मतलब सब कुछ धुएं में उड़ा देना। जब धुएं में उड़ गया तो आपके पास कुछ नहीं आया। टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का है, हिंदी का देखते हैं। पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? पर प्लस धीन, पर प्लस अधीन, परा प्लस अधीन या परा प्लस अधीन। देखिए, अगर हम बात करें परा उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग और एक प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग होते हैं जो पहले आते हैं, प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं, सफिक्स होते हैं जो बाद में, जैसे आपका नाम है, अगर देखा जाए कुमारी दस, कुमारी आपका उपसर्ग है यानी पहले आया। कुमारी रीना चौधरी, चौधरी इज योर सरनेम यानी सफिक्स। तो पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? पर प्लस धीन, पर प्लस अधीन या परा प्लस धीन, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा परा प्लस अधीन, परा प्लस अधीन। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना, मतलब कोई गलती नहीं है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या प्रतिज्ञ, तो कृतज्ञ इज द राइट आंसर। अशुद्ध शब्द बताना है इसमें, यथेष्ट, भुजंगनी, प्रियदर्शनी या लघुतर, तो आंसर इज
प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी होता है, ये है प्रियदर्शनी। अंगीकार का विलोम क्या होता है? अंगीकार होता है अस्वीकार करना, तो अंगीकार का ऑपोजिट होता है तिरस्कृत। मर्त्य का विलोम क्या होता है? मर्त्य मतलब मरना, तो मरने का ऑपोजिट क्या होगा? अमर। ठीक है, मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्य में आपका शब्द, आपने मुहावरा ढूंढना है, आपने मुहावरा ढूंढना है। मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताएं। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अंजल उठ जाना या हाथ तंग होना। तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग, रहने का संयोग समाप्त हो जाना मतलब डेरा उठ जाना, नाता टूट जाना या फिर आपका अंजल उठ जाना। तो आंसर इज अंजल उठ जाना। आंसर क्या आएगा? अंजल उठ जाना। तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? तेली के बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने में से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो तेली का बैल होने का अर्थ क्या है? बुरी तरह से तेली का, कोल्लू का बैल बोलते हैं वैसे ही, तेली का बैल मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना। जब तक सांस तब तक आस, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जब तक सांस है तब तक आस है, तो आशा जीवन पर्याप्त बनी रहती है, कभी निराश नहीं होना, ये सभी या जीवन अमूल्य। तो जब तक सांस है मतलब जब तक जीवन है तब तक आपकी आशा बनी हुई है, जब तक सांस है तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट, ए ए ओ ओ कौन सा स्वर है? हस्व, दीर्घ, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। ए ए ओ तो लंबी टाइम ले रहे हैं, हस्व में तो नहीं आएगा, ये आएगा दीर्घ स्वर। आंसर इज दीर्घ स्वर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मैथ्स का सेशन है, फटाफट करते हैं क्योंकि देयर आर 30 बॉयज 20 गर्ल्स इन द क्लास। 30 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, व्हाट इज द रेशियो? 30 बॉयज 20 गर्ल्स, 0 0 कट, 3:2, तो आंसर इज 3:2। नेक्स्ट, ए डी जी जे एम पी, ए डी जे जे एम पी में क्या आएगा? देखिए अगर देखा जाए प्लस बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू आर के बाद दो का डिफरेंस आ रहा है तो क्यू आर के बाद क्या आएगा? एस। पी एम के एम पी के एम के पी या के एम पी, तो नेक्स्ट क्या आएगा? पी एम के है, एम पी के भी बन सकता है, एम के पी भी बन सकता है और के एम पी भी। तो देखिए ये भी ऑप्शन में दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। यहाँ तक सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट, इफ कंप्लीटेड इज कॉर्डेड एज मॉक हेल्प डेट देन डायरेक्शन इज, अगर आप देखो कंप्लीटेड मॉक, पहले इनका रिवर्स, फिर एल्प का रिवर्स, फिर डी टी ई का रिवर्स, ठीक है, वैसे ही डायरेक्शन, आर आई डी इसका रिवर्स, इसका रिवर्स टी सी ई एन ओ आई, एन ओ आई। अब आप ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये क्या आएगी आपकी? सी, आंसर सी। तीन दो तीन तीन वर्ड्स का पेयरिंग को रिवर्स किया गया, ठीक है। अब इसमें बताइए मैथ्स का है, सिंप्लीफाई करना है। 31 पर डी,
3/10 प्लस 7/5 और ये है इसका 20, मतलब ये पूरी टर्म है, राइट। तो देखिए 3.1 ऐसे कर लीजिए, 0.3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1.4 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, ये क्या हो गया 0.93, ये नहीं आएगा 93, इसको किया तो ये बना आपका 0.07, प्लस करो तो आंसर आएगा 1, आंसर इज 1, यस। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके आंसर्स दे दूंगी, अभी फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ स्क्रिबल, स्क्रिबल इज टू राइट, स्क्रिबल का मतलब है लिखना, तो स्टैमर का मतलब क्या है, शाउट, वीप, डांस या स्पीक, स्क्रिबल होता है लिखना, तो स्टैमर क्या होता है, स्टैमर होता है स्पीक। ब्रीज से आता है, हवा से आता है साइक्लोन, तो ड्रिजल से क्या आता है, स्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक या डाउनपोर, तो आंसर इज आपका डाउनपोर। ठीक है, नेक्स्ट, स्कल्पचर जो है स्टैचू बनाता है, अगर स्कल्पचर जो है एक स्टैचू बनाता है, मूर्ति बनाता है, तो पॉइंट क्या करता है, कैनवस मतलब पेंट करता है, पेन चाहिए या उसके शब्द होते हैं या चिजल होता है, तो अगर स्कल्प्टर एक स्टैचू बनाता है तो पॉइंट जो है वो उसके शब्द, उसके वर्ड्स काम आते हैं, पेन काम नहीं आएगा, वर्ड्स काम आएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए इस टाइम पे क्लास लेना भी जरूरी है, कल भी मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, आज भी नहीं है, बट क्लास लेना भी जरूरी है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको पाइड अप करते हैं। 12:144, तो ऐसा क्या, देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो अब आपने बताना है ऐसी कौन सी टर्म है जिसका स्क्वायर है 22 का स्क्वायर 464, 20 का 400, आपका 15 का आपका 135 क्या आएगा बताइए, यस, तो आंसर इज 20 का 400, आंसर इज 20 का 400, ये नहीं है इसको काट दीजिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है 8:256, 8 का है 256, नाउ व्हाट द नेक्स्ट, 8 का क्यूब रूट है आपका 256, ठीक है, 8 का क्या है क्यूब रूट 256, रुक जाओ एक सेकेंड, यहां पे आएगा 512, ठीक है, ये गलत है आपका, 8 का क्यूब रूट है आपका 8 8 64, ठीक है, ये 512 आएगा, 256 नहीं है, यहां पे गलत है, 8 का क्यूब आता है 512, तो 7 का क्यूब क्या आएगा 343, यस, 7 का जो आएगा आपका 343, ये गलत है, 512 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब आपने स्पेलिंग्स बताने हैं, ठीक है, चूज द वर्ड रोंगली स्पेल्ट, मिस्टर सेनेसेंट, सेंसरी या सिलिशियस, तो सेनेसेंट के स्पेलिंग जो होते हैं वो होते हैं आपके एस ई एन ई एस ई सी एन टी, सेनेसेंस्ट, चूज द वर्ड विद रॉन्ग स्पेलिंग, फ्यूडल ठीक है, फंबल ठीक है, फ्यूल ठीक है, फ्यूगेटिव, फ्यूगेटिव के स्पेलिंग होते हैं ये, तो ये आपका गलत है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ट, टीजर, टिथिंग, टेडियस, तो टीजर भी ठीक है, टिथिंग भी ठीक है, टेडियस भी ठीक है, बट टिटॉलर जो है ये गलत है, डबल टी टी डबल ई आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, या नहीं आ रहा है तो आई अपोलोजाइज दैट. द स्टीप हाइक अप दैट ट्रेल वॉज द डैश थिंग आई हैव एवर डिड. डिफिकल्ट पूछना. द स्टीप हाइक अप दैट ट्रेल वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट या डिफिकल्टेस्ट थिंग आई हैव एवर डिड. The steep hike up that trail was the most difficult thing I have. Most third form of degree, third degree, yani sabse bolte hain sabse difficult task tha. I want to plan this assignment dash last year. Comparison chal raha hai, to comparison mein best. I want to plan this assignment better than last year. सेकेंड डिग्री है, कंपैरिजन चल रहा है तो सेकेंड आएगा. बेस्ट नहीं, लास्ट ईयर से और बेटर करना चाहता हूँ. विच इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस. दैट इज माई टाउन इट्सेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज एज सिटीज आर. इसमें से डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी को दर्शाना, तो हम दर्शाते कैसे हैं, दैट दो से. तो आंसर इज दैट. ठीक है, he is interested dash history about of in ya on. he is interested on history about history of history ya on. so he is interested in history. theek hai, please do not interfere dash my personal affairs. mere personal affairs mein interfere na kare. to yahan pe kya aayega, in my personal affairs. green paper is very rich in vitamin C. He was embarrassed because everybody was laughing. He was embarrassed because everybody was at laughing about in on. Everybody was at laughing. He cares dash the environment. She cares dash the environment on, in, off, about. She cares about the environment. Now, आपका HP GK session है. Mahasuvi dialect is widely spoken in the districts of. Mahasuvi बोली किस जिले में बोली जाती है, मंडी, आपकी जुब्बल, किन्नौर या नालागढ़. तो महासुवी जो है, महासु में मंडी में नहीं बोली जाती, मंडियाल झुब्बल में नहीं बोली जाती, किन्नौर में नहीं बोली जाती. आंसर इज नालागढ़. ठीक है, क्योंकि महासु का पार्ट है. वेयर डेड गुरु गोविंद सिंह राइट अ मेजर पोर्शन ऑफ दशम ग्रंथ. तो वो कहाँ लिखा था, पोंटा साहिब में. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज लिटिल तिब्बत. लिटिल तिब्बत के नाम से हिमाचल प्रदेश को किसको बोला जाता है. हिमाचल प्रदेश में लिटिल तिब्बत, धर्मकोट को मिनी इज़राइल, धर्मशाला को मिनी लहासा, लाहौल स्पीति लिटिल तिब्बत, या मंडी को बोला जाता है छोटी काशी. तो आंसर इज लाहौल स्पीति. आंसर क्या आएगा आपका, लाहौल स्पीति. ठीक है, लास्ट सेक्शन. वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग. आज मुझे इतना पता है कि आपको मज़ा नहीं आया होगा, तो सॉरी फॉर दैट, बट समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. ठीक है, धर्मशाला को लिटिल तिब्बत नहीं कहते, उसको बोलते हैं हम मिनी लहासा. वशिष्ठ इज द हॉट वाटर स्प्रिंग. वशिष्ठ कहाँ पे है, कुल्लू में, शिमला में आपका चैडविक होता है, कोल्ड वाटर का है. मंडी में तत्ता पानी, चंबा में सद्धारा. द रूलर ऑफ चंबा स्टेट हु वॉज फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन. वर्मन का टाइटल किसने लिया था, आदित्य, मुशान, गणेश, या गणेश ने सिंह लिया था, लक्ष्मण वो लास्ट रूलर थे, मुशान जिसने चूहों पे प्रतिबंध लगाया था. आंसर इज आदित्य, इसने पहले वर्मन लगाया था. रेवेन्यू ट्रेनिंग कहाँ पे है, जोगिंदर नगर में. शिमला में आपका CPRI है, HPU यूनिवर्सिटी है आपकी. धर्मशाला को सेकेंड कैपिटल भी बोलते हैं, और आपका वॉर मेमोरियल यहाँ पे. सुंदरनगर में फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है. ठीक है,
नेक्स्ट, हु इज नोन एज अजाना बहु इन हिमाचल? केहरी सिंह, बाबा कांशीराम, जोरावर सिंह, पदमदेव। पदमदेव को कविराज कहते हैं, जोरावर सिंह को छोटा राजा, बाबा कांशीराम को पहाड़ा द बुलबुल और पहाड़ी गांधी, केहरी सिंह को बोलते हैं हम अजाना बहु या छत्रपति की उपाधि। लास्ट रूलर ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज लक्ष्मण सेन, पदम सिंह, उर्दन पाल या अजय चंद। अजय चंद को हिंडोर के राजा, उर्दन पाल ने कुल्लू के राजा थे जिसने संध्या देवी का टेम्पल बनाया था, लक्ष्मण सेन सुकेत के लास्ट रूलर थे, तो आंसर इज पदम सिंह। ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, होप सो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कोजी, स्टे हेल्दी। मेरे से ज़्यादा नहीं खड़ा हो जाएगा, आपके जो भी सेशन के क्वेश्चंस हैं मैं कल आंसर देती हूँ। थैंक यू।